एसएचजी कैंसर सेंटर अत्याधुनिक तकनीक और व्यक्तिगत कैंसर देखभाल के साथ विश्व स्तरीय उपचार प्रदान करने के अपने निरंतर प्रयास में अब कैंसर रोगियों के लिए अपनी तरह की पहली विशेष घरेलू स्वास्थ्य सेवा शुरू की है। यह सेवा आरंभिक रूप में नागपुर शहर की सीमा में आने वाले क्षेत्रों में प्रदान की जाएगी, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गयी। पत्र परिषद के दौरान एसएचजी कैंसर सेंटर क्ले क्लस्टर बिजनेस हेड और सीईओ वेंकटेश्वरूर मारापका, निदेशक और हेड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर अजय मेहता उपस्थित थे। अक्टूबर महीना स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में चिन्हित है और इस उपलक्ष्य में अस्पताल ने अपना अनूठा पोर्टेबल स्तन कैंसर स्क्रीनिंग उपकरण ईवीएफ ब्रिस्टर प्रो भी लॉन्च किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए क्लस्टर बिजनेस हेड सेंट्रल इंडिया और एसएचजी नागपुर के सीईओ श्री वेंकटेश्वरू मारापाका ने कहा कि घरेलू स्वास्थ्य हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन रहा है, क्योंकि अध्ययन से पता चला है कि बीमारी, चोट या सर्जिकल प्रक्रियाओं से उभरने वाले मरीजों को जब घर में सेवाएं और इलाज दिया जाता है तो वे देखभाल के बाद बेहतर तरीके से ठीक हो जाते हैं। होम हेल्थ केयर सर्विस रोगी को अपने घर की प्राइवेसी के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ में पेशेवर देखभाल प्राप्त करने की सुविधा देती है। यह व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करती है जो आपके घर के शांत वातावरण में और आपके परिवार के सहयोग से प्रदान की जाती है। आज एचसीजी होम केयर सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं। ये होम केयर सर्विसेज में पेशेंट्स को घर बैठते हुए नर्सिंग केयर, होम सैंपल कलेक्शन, मेडिसिन एट होम डिलीवरी, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, सर्वाइकल स्क्रीनिंग एंड ओरल स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर कैन बी डन। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है, जब हॉस्पिटल में तीन तरीका का ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव तो हॉस्पिटल में होता है, एंड रिहैबिलिटेटिव और कम्युनिटी केयर। तो एज एचसीजी हम यही कोशिश कर रहे हैं, जो पेशेंट्स एचसीजी में आते हैं जो कैंसर में पीड़ित है, उनको सब सर्विसेज एक ही जगह पे मिले। बहुत सारा हॉस्पिटल्स क्या होता है, उनके पास सर्जरी होता है बट अलग सर्विसेज के दूसरे जगह पे जाना पड़ता है। तो हमारे पास ये सर्विसेज हम इसलिए दे रहे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। जब जो भी सर्विसेज हॉस्पिटल में देना चाहिए हम हॉस्पिटल में देंगे, जो भी सर्विसेज उनको घर में बैठ के ले सकते हैं वो घर में बैठ के भी ले सकते हैं। अभी फर्स्ट फेज में हम नर्सिंग सर्विसेज, होम सैंपल कलेक्शन, होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन शुरू किया है। इन 2-3 मंथ्स हम होम मॉनिटरिंग भी शुरू करेंगे एंड डॉक्टर का होम विजिट्स भी शुरू करेंगे ताकि ये पूरा सर्विसेज पेशेंट्स को मिल सके। अभी ये सर्विसेज नागपुर में 20-25 किलोमीटर रेडियस में हम शुरू किया है। फ्यूचर में हम देखेंगे, लॉजिस्टिक्स के हिसाब से डिपेंड करके हम बाहर दूसरे शहरों में भी हम शुरू करने का कोशिश करेंगे, बट एज ऑफ नाउ इट इज फॉर नागपुर टाउन। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के निदेशक और प्रमुख डॉक्टर अजय मेहता ने बताया कि एसएचजी होम हेल्थ का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रोगी के घर की सुविधा के भीतर पेशेवर और उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करना है। इसे सुरक्षा, गरिमा और स्वतंत्रता की उच्च भावना के साथ व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करके रोगियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। मी डॉक्टर अजय मेहता, मी डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एचसीजी कैंसर हॉस्पिटल नागपुर। अक्टूबर मंथ हा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ ऑल ओवर द वर्ल्ड जाणला जातो, आणि हा जो आम्ही उपक्रम केला की घरी जाऊन टेस्टिंग करणं, कारण काय होतं, आजही आम्ही कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर फॉर एक्झाम्पल स्टेज 3 आणि स्टेज 4 ऑलमोस्ट 70% पेशंट्सला बघतो। तर या अवेअरनेसनी जर आम्ही काही जास्त स्प्रेड करू शकलो तर कॅन्सर आम्ही अर्ली स्टेजमध्ये डिटेक्ट करू शकू। या मशीननी जर आम्हाला ॲबनॉर्मॅलिटी दिसली तर ताबडतोब आम्ही त्या पेशंट्सना हॉस्पिटलमध्ये बोलवू शकतो आणि त्याची टेस्टिंग करू शकतो। तसंच अजून एक आहे जे सर्वाइकल कॅन्सर करता पण आहे आणि ओरल कॅन्सर्स करता पण एक आम्ही एका मशीनचा आम्ही उपयोग करतो, ज्यांनी डॉक्टर जात नाही, फक्त आमचे हेल्थ केअर वर्कर्स जातात आणि मग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI ज्याला आम्ही म्हणतो, ते जे फोटोग्राफ्स काढतं ते मशीन, आणि मग त्यांनी हाय रिस्क जे पेशंट्स असतात ते आम्ही आयडेंटिफाय करतो आणि मग त्यांची लिस्ट बनवतो आणि त्या पेशंटचं मग बायोप्सी करता त्यांना बोलवू शकतो। तर या सगळ्या याचा मेन उद्देश हाच आहे की कॅन्सर इफ वी कॅन कॅच इन इट्स व्हेरी अर्ली स्टेज म्हणजे इन्फन्सी, तर देन वी कॅन क्युअर कॅन्सर।
सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेसेज इज फॉर अवेअरनेस, कॅन्सर अवेअरनेस करता मेसेज सोसायटीमध्ये गेला पाहिजे. येस, ए आय बेस्ड जे आम्ही उपक्रम घेतला आहे हो, आणि याचं आम्ही म्हणजे पॅथॉलॉजीमध्ये, रेडिओलॉजीमध्ये फॉर डिटेक्शन याचा आम्ही उपयोग करतो आहे. टेक्नॉलॉजीचा जर उपयोग आपण केला तर ऑब्व्हियसली आपल्याला रिझल्ट फास्टर मिळतील आणि अक्युरेट मिळतील ॲज कम्पेअर, बिकॉज ह्युमन एरर हा त्याच्यातनं नाहीसा होतो. मी डॉक्टर सुचित्रा मेहता, इथले एस सी जी नागपूरची डायरेक्टर आणि सायको ऑन्कॉलॉजिस्ट आहे. तर हा एक आमचा एक खूप चांगला प्रयत्न आम्ही केलेला आहे की हे जे आमच्या सगळ्या सर्व्हिसेस आहेत ज्या कॅन्सर पेशंटसाठी आम्ही इथे एस सी जीमध्ये देतो, तर त्या आम्ही पेशंटच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर याच्यात जसं यांनी सांगितलं, आमच्या सीईओनी सांगितलं की सगळ्या मेडिकल फॅसिलिटीज, नर्सिंग आहे, नर्सिंग केअर आहे, मग बाकी मेडिसिन सप्लाय करायचे आहे ते सगळं आम्ही करू. त्याच्यासोबत आम्ही एक खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट करतो आहोत, ते म्हणजे ब्रेस्ट स्क्रीनिंग. तर ती आपण का बरं करणार आहोत की आम्ही घरोघरी जाऊन शिकवणार आहे की स्वतःच्या ब्रेस्टची तपासणी स्वतः कशी करायची. त्याच्यासाठी तुम्हाला काही डॉक्टरकडे जायची गरज नाही किंवा मेडिकल नॉलेज असायची गरज नाही, पण याच्यासाठी एक आमच्याजवळ यंत्र पण आहे. तर हे यंत्र आम्ही घेऊन जाऊ आणि फक्त ज्या लेडीला आधी सगळ्यात आधी आम्ही ब्रेस्ट एक्झामिनेशन कशी करायची स्वतःची ते शिकवू आणि त्याच्यानंतर आम्ही यांनी त्यांच्या ब्रेस्टची तपासणी करू आणि याच्यात जर आम्हाला काही आढळलं की एखादी गाठ आहे किंवा काही ॲबनॉर्मॅलिटी आहे तर त्या पेशंटला आम्ही ताबडतोब हॉस्पिटलमध्ये बोलवू शकतो आणि त्याचं निदान करू शकतो आणि त्याची ट्रीटमेंट देऊ शकतो. तर या सेवेने आम्ही पुष्कळ ब्रेस्ट कॅन्सरवर कंट्रोल आणू शकतो असं आमचं वी आर होपिंग फॉर दिस. नाही, हे आम्ही फर्स्ट आमचंच हॉस्पिटल आहे की जे आम्ही हे सुरू केलेलं आहे आणि हे आम्ही ऑलरेडी करतो आहोत, म्हणजे कॅम्प्समध्ये वगैरे आम्ही हे याचा उपयोग करतो आहोत. आणि याच्यात तुम्हाला काही दिसणार नाही आहे, याच्यात फक्त ॲनालिसिस म्हणजे ग्राफ सारखं येईल, जसं सोनोग्राफी असते किंवा एक्सरे असतो तशा टाईपचं आम्हाला दिसेल आणि त्याच्याने आम्ही जे आमचे एक्सपर्ट्स आहेत तर ते त्याच्यावर ओपिनियन आपलं देतील आणि मग तसं पेशंटला गाईड करतील. एचसीजी एनसीएचआरआय कॅन्सर सेंटर नागपूर मध्य भारत का पहला निजी व्यापक कॅन्सर देखभाल अस्पताल है. एचसीजी एनसीएचआरआय कॅन्सर सेंटर की स्थापना वैश्विक नवाचारों को अपना कर लगातार उच्च गुणवत्ता और परिणाम उन्मुख कॅन्सर देखभाल उपचार प्रदान करने के लिए की गई थी. एचसीजी एनसीएचआरआय कैंसर केंद्र एक अत्याधुनिक 135 बिस्तरों वाला ऑन्कोलॉजी अस्पताल है जिसमें एक छत के नीचे सभी ऑन्कोलॉजी सुविधा है. कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट.